नमस्कार दोस्तों, कोर्ट रीडर यानी कि सिविल कोर्ट कोर्ट रीडर का जो एग्ज़ाम हुआ था 17 दिसंबर को, उसी एग्ज़ाम के ऊपर ये वीडियो है। आगे आपका मेंस होना है, इंटरव्यू होना है, टाइपिंग होना है, स्किल टेस्ट होना है, उन सभी चीज़ों पे जो है पूरे विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और आराम से आहिस्ते आहिस्ते जो है सारे चीज़ को बताएंगे एक एक करके, ठीक है? तो थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा, पूरा चीज़ जो है क्लियर कर देंगे एक वीडियो में। इसके कट ऑफ के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और इसका जो आगे का जितना सारा एग्जाम होना है उसके ऊपर भी एक एक पॉइंट पे जो है डिस्कस करेंगे, ठीक? तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, अभी आप पीटी दे लिए, पीटी का जो मार्क्स होगा या पीटी में आप चाहे जितना नंबर लाए होंगे, सिर्फ क्वालिफाई है। अगर सिर्फ क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका इसके बाद मेंस का एग्जाम होना है और मेंस के एग्जाम में आपको नंबर लाना है, क्योंकि मैं वहाँ से आपको मेरिट बनेगा। मेंस का एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, उसी दिन होता है। पहले उस एक ही दिन में दोनों लिया जाता था, लेकिन इस बार देखिए कैसे लेता है। सो पिछले बार में जो लास्ट टाइम हुआ था तो उसमें एक ही दिन में दोनों मेंस भी हुआ था, मेंस डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद में टाइपिंग भी हुआ था। और इंटरव्यू जो है, जब इसका एग्जाम का रिजल्ट दोनों का आ जाता है तब आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको जो मेंस का एग्जाम लिया जाएगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्म में होगा। इसमें क्या है कि आपको सब्जेक्टिव में 20 नंबर का इंग्लिश लिखवाया जाएगा, 20 नंबर का हिंदी लिखवाया जाएगा। जो आपको 20 नंबर का इंग्लिश और हिंदी जो लिखवाया जाएगा, उसमें एक चीज़ आप मान करके चलिए कि जो इसका सिलेबस है, देखिए हम आपको इसमें जो है पूरा डिटेल्स लिख देते हैं। सबसे पहले लेटर राइटिंग जो है एक लिखवाया जाएगा, लेटर राइटिंग, ठीक है? लेटर राइटिंग, एक लेटर राइटिंग होगा जो कि आपको 100 वर्ड में होगा, इससे ज़्यादा नहीं। 100 वर्ड में लेटर राइटिंग आपको लिखना है। राइट ए लेटर टू योर फादर, ठीक है? लेटर मतलब किसी भी चीज़ के लिए, आपको जो ऑफिस के लिए या पिताजी के पास, या एक एप्लीकेशन भी आपको लिखवाया जा सकता है, ठीक? आपको एक लेटर राइटिंग लिखना होगा। उसके बाद एक एस्से लिखना होता है। एस्से मीन्स आपको पता होगा कि 100 वर्ड में वो भी लिखना होगा, 100 या 150 वर्ड में, ठीक? 100 वर्ड में भी हो सकता है, पिछला बार 100 वर्ड में दिया था, हो सकता है कि इस बार 150 वर्ड में दे, या 150 वर्ड में ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? तो ये जो आपको क्या बोले, इससे जैसे मान लेते हैं टेररिज्म पे, डिजिटल इंडिया पे, या आपको डॉरी पे, ये सारा टॉपिक पे अभी आया हुआ है, डिजिटल इंडिया पे जैसे। उसके बाद में जो है स्वच्छ भारत अभियान पे, उसके बाद जैसे अभी नया नया अभी जो मार्क नया जो टॉपिक है कश्मीर इशू, उस पर भी जितना सारा नया टॉपिक है उस पे जो है आ सकता है। उसका सारा जैसे जो अभी आपको करेंट टॉपिक पे जो क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में, असिस्टेंट के मेंस में, हाई कोर्ट असिस्टेंट, वहाँ पे ना हम उसका क्वेश्चन पेपर जो है व्हाट्सएप पे जो है आपको शेयर कर देंगे। चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन पेपर का, ठीक? तो लेटर राइटिंग हो जाएगा, उसके बाद में जो है आपको एसे हो जाएगा, उसके बाद प्रेसिज पूछा जाता है। प्रेसिज बोले तो आपको एक मान लेते हैं 10 लाइन का एक सेंटेंस आपको एसे ये पैसेज दिया गया, उसको जो है 3 से 3.5 लाइन में आपको समरी उसका लिखना होता है और एक हेडिंग देना होता है, तो वो चीज़ आपसे पूछा जाएगा, ठीक? और उसके बाद आपको जो है कम्प्रीहेंशन पूछा जाता है। कम्प्रीहेंशन में वही एक पैसेज दे दिया जाता है, नीचे 4-5 क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन रहेगा, उसी में से चुन करके आपको उसमें टिक करना होता है या लिखना भी होता है, यहाँ पे आपको लिखने को मिलेगा, ठीक? उसके बाद में आगे आते हैं वोकैबुलरी। तो यहाँ पे वोकैबुलरी में जो है आपको लिखना है, केवल टिक लगाना ऑब्जेक्टिव ये सब्जेक्टिव होगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, जो आप बुक्स या जो भी पढ़ते होंगे, या एंटोसाइनो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, या फ्रेजल वर्ब, ये सब जो पढ़ते होंगे उसको लिख करके पढ़ना है, लिख करके याद करते हुए पढ़ना है, तब जा करके आप यहाँ पे लिख पाइएगा। स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक होगा नंबर काट लेगा, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक?
गलत करने का। और यही चीज़ आपको ना हिंदी में भी मिलेगा देखने को, लेटर राइटिंग एसे प्रेसेज राइटिंग, यहाँ भी उसको हिंदी में संक्षिप्ति बोलते हैं। फिर आपको वोकैबुलरी में मतलब वही चीज़ विपरीतार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, यही सब देखने को मिलेगा। तो ये आपका 40 नंबर के होगा, और एक ही बार में हो सकता है कि दोनों पेपर दे दें या 15 मिनट के बीच में गैप करके आपको फिर ये पेपर दें। ऑब्जेक्टिव होगा 50 नंबर का, जो अभी कोर्ट रीडर का दे करके आए हैं पीटी का एग्जाम, सेम आपको उसी टाइप का जो है ये आपको देखने को मिलेगा। जीके जीएस 15 नंबर का, मैथ जो है 10 नंबर का, रीजनिंग जो है 10 नंबर का, कंप्यूटर 15 नंबर का। तो जो कंप्यूटर जिस टाइप से पूछा हुआ है, क्वेश्चन का टफनेस लेवल अच्छा खासा था, तो आपको सेम उसी टाइप से पूछा जाएगा। रीजनिंग आपको वही रहेगा जैसे जिस टाइप से अभी पीटी में पूछा गया है, ये सब पीटी में जैसा पूछा गया वैसा ही इसमें आपको मेंस में ही पूछा जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है उसी दिन आपका टाइपिंग होगा, उसी दिन टाइपिंग। हिंदी आपको पता है 30 वर्ड पर मिनट है 90% एक्यूरेसी के साथ, इंग्लिश 40 वर्ड पर मिनट है, ये दोनों में 50-50 मार्क्स का है, ये दोनों कितना है 50-50 मार्क्स का है। जब ये दोनों आप एग्जाम निकाल लेते हैं, हो जाता है आपका, इसमें रिजल्ट आ जाता है, तब आपका लास्ट में इंटरव्यू होता है 10 नंबर का, ठीक। और 10 नंबर का इंटरव्यू भी आप जब दे लेते हैं पूरी तरह से, तो ये तीनों मार्क्स जोड़ करके तीनों मार्क्स तब आपका जो है मेरिट लिस्ट बनता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से आपका सिलेक्शन होता है, पीटी का जो एग्जाम होगा उससे उसमें कोई केवल क्वालिफाई मार्क्स होता है, उसमें क्वालिफाई कर लिए मतलब क्वालिफाई कर लिए, कट ऑफ जो उसका जो भी आएगा उस कट ऑफ को अचीव कर लिए, क्वालिफाई कर लिए, तो आपको पीटी सिर्फ आगे जो है उसका नंबर नहीं जुटेगा मेंस में, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बाकी और भी कुछ अगर डाउट रहा होगा तो अभी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं इसका कट ऑफ जो है कोर्ट रीडर का कितना जा सकता है। तो कोर्ट रीडर का जो कट ऑफ है अभी देखिए, इसमें सीट कितना है टोटल 1132 सीट है, 1132 दस गुना रिजल्ट देना है, यानी कि क्या हो जाएगा 11320 रिजल्ट देगा। ये दस गुना कहने के लिए है, हो सकता है आपको 13 गुना 14 गुना रिजल्ट दे दे, क्योंकि यहाँ पे हमको लगता है कि अप्रॉक्सीमेटली 15,000 कम से कम रिजल्ट आएगा तब जाकर के ये सीट जो है फुलफिल होना है, ठीक है। तो 15,000 यहाँ पे रिजल्ट आना है, और लड़का कितना बैठा था, फॉर्म जो है अप्रॉक्सीमेटली 50,000 से 60,000 लड़का फॉर्म भरे हुए था, 60,000 अप्रॉक्स मान के चलिए, उससे ज़्यादा फॉर्म नहीं था, 50% के अप्रॉक्स में जो है आपका अपियरिंग था। तो टोटल कुल मिला के अगर हम कहें तो मात्र 30,000 करीब करीब लड़का ही अपियर हुआ था, 30,000 से कम ही लड़का अपियर होगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक ही जगह केवल पटना में इसका एग्जाम था। जब केवल पटना में एग्जाम था तो पूरे पटना में मतलब खूब से खूब 50,000 का सेटिंग तो सबका बनाया हुआ था, 50,000 से 60,000 लड़कों का, और उसमें दरोगा का भी एग्जाम था, तो एक दिन में जो है ना 60-70,000 से ज़्यादा का कैपेसिटी नहीं है पटना का एग्जाम लेने का, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं उसमें आपको मुश्किल से 30,000 से 30,000 करीब करीब लड़का अपियर हुआ था। अब 30,000 लड़का में आपको जो क्वेश्चन का संख्या जो था 90 क्वेश्चन जो है पूछा गया था, 90 क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन का टफनेस लेवल कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल था, इजी भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट का जब आप पेपर देखिएगा तो उसके अपेक्षा जो है कोर्ट रीडर का पेपर जो था टफ था, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं कि उस अनुसार जैसे और लड़कों जैसे लड़का सब बात की, अब तो बहुत सारा लड़का बता दिया कि मेरा इतना नंबर आ रहा है उतना नंबर आ रहा है, हम यूट्यूब पे भी नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत सारा लड़का अपना जो है बताया कि इतना नंबर आ रहा है, तो उसी सब जो जितना सारा हुआ है उसी सब के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे हम कट ऑफ बता रहे हैं आपको। कि यहाँ पे वैसे हम पिछला बार में ही बताए थे कि आपको 55 से 56 नंबर जो है कट ऑफ जनरल यूआर का जो है, देखिए यूआर का कट ऑफ जो है हम 56 से 57 नंबर लेकर के चलते हैं, 55 से लेकर के 57 नंबर, 56-57, ठीक है। इतना यूआर का कट ऑफ जाने का चांस है, इससे ज़्यादा जो है हमको नहीं लगता है कि जाएगा, ठीक है। और फीमेल का जो, हाँ चलिए पहले इधर बात कर लेते हैं, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है
50 से लेकर के 52 तक जाएगा, ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, 50 से 52 तक EWS का कट ऑफ जाने का उम्मीद है। BC का भी कट ऑफ जो है आपका 50 से 52 तक जाने का उम्मीद है। EBC का कट ऑफ जो है 45 से 47 नंबर जा सकता है। SC का जो कट ऑफ है आपको 42 से लेकर के 45 के अप्रोक्स रह सकता है। ST का भी कट ऑफ जो है 42 से 45 तक रह सकता है, ठीक है। अब आगे आइए फीमेल में, तो फीमेल में आपको जो है 45 से लेकर के 47 तक यूआर की जो फीमेल है वहाँ उनको जो है कट ऑफ देखने को मिल सकता है। EWS का जो कट ऑफ है, फीमेल का जो कट ऑफ है वो आपको 42 से जो है 43 तक देखने को मिल सकता है। मिनिमम कट ऑफ की बात कर रहे हैं ये सब, ठीक है। वही BC का जो कट ऑफ है लेडीज का, मतलब फीमेल कैंडिडेट का, उन लोगों का भी जो है 42 से 43 मान करके चलते हैं कि इतना तक हो जाना चाहिए। क्वेश्चन जो है मॉडरेट लेवल का था। EBC का जो कट ऑफ है आपको 40 से 41 नंबर के अप्रोक्स रहना चाहिए। 40 नंबर से लेकर 41 नंबर तो आपका जो है EBC में होने का चांसेस है। SC का जो कट ऑफ है आपको 37 से 40 नंबर के अप्रोक्स रहना चाहिए। वही SC और ST दोनों में 37 से 40 नंबर के अप्रोक्स रहना चाहिए। देखिए जितना दिव्यांग लोग हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, उन लोगों का भी जो है आप अगर कट ऑफ उठा करके देखते हैं तो 40 के अप्रोक्स में ही रहेगा। 2 नंबर ज़्यादा भी हो सकता है या 40 नंबर तक रहेगा। और फीमेल में जो है उन लोगों का जो है 35 से 37 नंबर काफ़ी है। देखिए क्योंकि यहाँ पे 90 नंबर का ही एग्जाम हुआ था, ठीक है, 90 का, तो इसका अगर हम ये 90 नंबर में इतना नंबर आपका आना चाहिए तो ये हमको लगता है कि आपका ये यहाँ पे PT में कम से कम सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों जिनका इतना नंबर के अप्रॉक्स आ रहा है वे लोग जो है ना पूरा अपना मेंस का तैयारी अच्छे से करें, ठीक। और बाकी जो भी अगर आपके मन में जो डाउट रह गया है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, उसके ऊपर जो है हम वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।